क्राफ्ट में जीरो टिक बोन मील फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेडस्टोन क्लॉक बना देना है, फिर दो रेडस्टोन डस्ट इस तरह लगा देना है, फिर आप जितने पिस्टन का फार्म बनाना चाहते हैं उतने रेडस्टोन डस्ट लगा देना है, फिर एक ब्लॉक छोड़कर आगे के ब्लॉक को टिक कर देना है, फिर आपको स्टिकी पिस्टन कुछ इस तरह लगा देना है, उसके आगे सैंड और उसके ऊपर भी सैंड लगा दीजिए, फिर साइड में दो दो ब्लॉक इस तरह प्लेस करना है, फिर सैंड के ऊपर और पिस्टन के ऊपर भी एक एक ब्लॉक लगा देना है, फिर सैंड के आगे भी ब्लॉक ब्लेस कर देना है, उस ब्लॉक के ऊपर एक एक पिस्टन लगा देना है, फिर नीचे सैंड के आगे एक ब्लॉक टिक कर देना है, फिर दो चेस्ट लगाकर उसके पीछे हॉपर लगा देना है, उसके ऊपर कंपोस्टर लगा देना है, फिर कंपोस्टर के ऊपर हॉपर लगा देना है, साइड में कुछ इस तरह ब्लॉक प्लेस कर देना है, फिर हॉपर के ऊपर ग्लास पेन लगा देना है, फिर ग्लास कुछ इस तरह लगा देना है, फिर इस ब्लॉक के ऊपर वाटर प्लेस कर देना है, उसके नीचे केल्प प्लेस कर देना है, फिर पीछे कुछ इस तरह रेडस्टोन सिस्टम बिल्ड कर देना है, इसी के साथ हमारा फार्म तैयार है। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए AFK किया है, आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे बोन मील मिले हैं।